बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद अली घोटो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की। जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमारा पहला आज लेक्चर है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने आबिद रज़ा MLT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त के साथ मौसूल होती रहें। ब्लड बैंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, डोनेशन, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। बेसिक एम ऑफ ब्लड बैंकर्स इज़ टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी ब्लड और इट्स कंपोनेंट टू पेशेंट्स। ब्लड बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें खून को जमा किया जाता है, उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद खून को स्टोर किया जाता है फॉर द ट्रांसफ्यूजन टू एनी पेशेंट। उसके बाद जो ब्लड बैंकर्स होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि साफ और सेहतमंद खून की फराहमी मरीजों तक। दोस्तों, इस मकसद को फिर किस तरह ये हासिल करते हैं या ब्लड बैंक के अंदर हम जब काम करते हैं तो इस मकसद को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को अपनाना पड़ता है जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग के वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, जिसमें हमें सारी चीज़ें मुकम्मली तौर पर करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि यह हमारा ब्लड सेफ़ भी है और हेल्दी भी है। जिसके अंदर हमारा जो पहला प्रोसेस होता है वो एक्चुअल हमारा होता है ब्लड कलेक्टिंग का, कि हम जो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल क्वांटिटी एंटीकोगुलेंट के रेशो के हिसाब से जो दी गई है वो हम कलेक्ट करें। उसके बाद जो भी ये पूरा मुकम्मल एक प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, साइफिलिस और मलेरिया। उसके बाद जब ये टेस्ट क्लियर आ जाते हैं तो फिर उस खून को ज़खीरा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यानी कि स्टोर किया जाता है रिस्पेक्टेड अपने अपने टेम्परेचर्स पे, जो भी हमारी ब्लड की प्रोडक्ट्स बनती हैं। उसके बाद लास्ट प्रोसेस के अंदर विद इन द शेल्फ लाइफ ऑफ एनी प्रोडक्ट हम ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं पेशेंट्स को ब्लड और ब्लड की प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लड बैंक के सेटअप की तो पाकिस्तान के अंदर ब्लड बैंक के सेटअप को हम किस तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात वाज़े रहे कि वर्ल्ड वाइड दो टर्म यूज़ होते हैं। एक हमारा टर्म यूज़ होता है ब्लड बैंक का और दूसरा हमारा जो टर्म है वो यूज़ होता है ब्लड सेंटर का। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्लड बैंक एंड ब्लड सेंटर। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे ब्लड सेंटर और ब्लड बैंक के बारे में। आज का जो हमारा जो मौजू है वो ब्लड बैंक है। हम ब्लड बैंक के बारे में बात करेंगे कि ब्लड बैंक की जो कानून साजी होती है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर वो क्या है। अंडर द न्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेजिस्लेशन एंड द नेशनल ब्लड पॉलिसी, हॉस्पिटल ब्लड बैंक मीन्स ए हॉस्पिटल यूनिट व्हिच रिसीव्स एंड स्टोर स्क्रीनड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स ऑर्डर्ड फ्रॉम इट्स रीजनल ब्लड सेंटर, परफॉर्म्स ब्लड टेस्ट ग्रुपिंग एंड कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग एंड इशूज ब्लड एंड कंपोनेंट फॉर क्लिनिकल यूज विद इन द हॉस्पिटल। कानून साजी के अंदर जो पाकिस्तान में ब्लड की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है, उसके अंदर यह है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी यूनिट बनता है ब्लड बैंक कोई भी यूनिट बनता है तो वो इस चीज़ का मजाज होगा कि वो स्क्रीनड ब्लड लेगा अपने रीजनल ब्लड सेंटर से। स्क्रीनड ब्लड यानी होल ब्लड ले या उसके बाद जो उसकी डिमांड अगर कंपोनेंट्स की है तो वो लेगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर ग्रुपिंग और उसके बाद कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग करने के बाद वो पेशेंट्स को इशू की जाएंगी ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स। तो अगली वीडियो के अंदर हम इस बात को इंशाल्लाह जो है वो डिटेलली डिस्कस करेंगे कि ब्लड बैंक के अंदर जो है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप और कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग यानी कि क्रॉस मैच ही क्यों हो रहा है। यानी कि हम पीछे अभी बात भी करके आए हैं कि ब्लड बैंकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्क्रीनिंग भी की जाती है, सारी चीज़ें की जाती हैं, तो यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है पॉलिसी के अंदर कि ब्लड बैंक जो है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप और कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग करने का ही मजाज है, उसको स्क्रीनड ब्लड ही मुहैया किया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें कि फिर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कानून साजी मुकम्मल अगर हमारी रजिस्ट्रेशन हमें करवानी है ब्लड बैंक की तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और आगे जो है वो इनकी मैं आपको तस्वीरें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहला हमारा जो इक्विपमेंट है, कुछ ये इक्विपमेंट है जो कि ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारा मिक्सर स्केल,
फॉर ब्लड कलेक्शन, ब्लड शेकर भी जिसको हम कहते हैं, ट्यूब सीलर है, डोनर वेट मशीन है, डोनर स्केल, एचबी टेस्टिंग जो है वो जिसको हम एचबी मीटर भी कहते हैं, ट्यूब स्ट्राइपर है, एग्लूटिनेशन व्यूअर, रिएजेंट रेफ्रिजरेटर, सीरोलॉजी, सेंट्रीफ्यूज, लार्ज सेंट्रीफ्यूज और क्रायोफ्यूजेस, माइनस टेम्परेचर, ब्लड बैंक फ्रीजर, प्लेटलेट एजिटेटर, सीरोलॉजी बेंच सेटअप वेयर टेक्नोलॉजिस्ट परफॉर्म ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच। आपकी ब्लड बैंक के अंदर जो है वो टेस्ट मेथड जो है वो जो भी आपका है, ट्यूब मेथड है या जेल कार्ड मेथड है, वो आपकी ब्लड बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी तस्वीरें हैं। जो पहली हमारी रिक्वायरमेंट है वो है मिक्सर स्केल, यानी कि जो ब्लड को मिक्स करता है, ब्लड शेकर भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है वो है ट्यूब सीलर, डोनर वेट स्केल, डोनर वेट मशीन, एचबी टेस्टिंग और एचबी मीटर, ट्यूब स्ट्राइपर, एग्लूटिनेशन व्यूअर, वाटर बाथ, रिएजेंट रेफ्रिजरेटर, सीरोलॉजिक सेंट्रीफ्यूज, लार्ज सेंट्रीफ्यूज और क्रायोफ्यूजेस, लार्ज सेंट्रीफ्यूज और क्रायोफ्यूजेस, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, माइनस टेम्परेचर ब्लड बैंक फ्रीजर, प्लेटलेट एजिटेटर, सीरोलॉजी बेंच सेटअप, वेस्ट डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स और जो भी हमारे डिस्पोजेबल वगैरह होते हैं वो। तो दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट हैं जो कि मेन रिक्वायरमेंट हैं जो कि किसी भी ब्लड बैंक को बनाने के लिए आपको ज़रूरी होती हैं, इन सारी चीज़ों का करना, जो कि आपकी फिर रिटन फॉर्म में भी आपको देनी होती हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसके आगे और भी चीज़ें जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ये मेन हमारे इक्विपमेंट थे जो कि हमारी फर्स्ट इनिशियल जो है वो ब्लड बैंक की रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ये अगर आपके पास इक्विपमेंट कम्प्लीट हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो इंशाल्लाह हम जो है वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे जो है वो उस बारे में बात करेंगे कि जो है वो अगले स्टेप में हम किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं ब्लड बैंक को बनाने के लिए। इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम जिस बारे में बात करेंगे, हमारा यही कंटिन्यू लेक्चर चलेगा, अथॉरिटीज़ ऑफ ब्लड बैंक, टेक्निकल स्टाफ ऑफ ब्लड बैंक, नॉन टेक्निकल स्टाफ ऑफ ब्लड बैंक, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ब्लड बैंक। तो ये सारे जो है वो पॉइंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ये भी हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आते हैं कि रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप ये होता है कि आपके जो मैंने बताया कि आपकी कम से कम ये सारी चीज़ें कंप्लीट हों जो कि इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स के बाद फिर आपके अथॉरिटीज और आपका स्टाफ होता है, यानी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हैं तो उसके बाद अगला फिर प्रोसेस क्या होता है इंशाल्लाह उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम जो है वो बात करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।